Very good afternoon to all of you. Welcome to this live session. Welcome to Unacademy Live CSIR UGC NET. So, my name is Jyoti Kumari and I am a verified as well as a plus educator on Unacademy platform. Today's topic is cell signaling basics. Mainly, this is part 2. Okay? Yesterday, we already dealt with part 1. साथ डील कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस पर्टिकुलर लाइव सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो इसी चैनल पे अवेलेबल है. सो मेक श्योर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी आपका आपकी फील्ड के जो एजुकेटर्स हैं अगर वो ऑनलाइन आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. तो आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. कल जितना भी बेसिक्स हो सकता था वो हमने डिस्कस किया था रिकॉर्डिंग कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, क्या क्या नेचर होता है, एवरीथिंग. जी वेरी गुड आफ्टरनून अनु, आयुषी, आई होप आप सब ठीक होंगे. ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि हमने टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में बात किया था, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, कितने टाइप के सिग्नलिंग हो सकते हैं लाइक ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, इन सब के बारे में बात किया था. कितने टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उनके बारे में भी बात किया था. इसके अलावा हमने ये देखा था कि लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये कवर किया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलरली भी हो सकते हैं और सेल सरफेस पे भी हो सकते हैं. जी वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति, सेल सरफेस पे भी हो सकते हैं. तो सेल सरफेस को हमने फर्दर कैटेगराइज किया था किसमें, सेल सरफेस की बात करें तो सेल सरफेस को हमने फर्दर कैटेगराइज किया था जी पी सी आर में और एंजाइम लिंक्ड में. ओके, एंजाइम लिंक्ड में. सो आज का जो पोर्शन होगा उसमें हम जी पी सी आर के बारे में फोकस करेंगे. सो इससे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ अपने बारे में. अगर किसी को पता ना हो तो मेरा नाम है ज्योति कुमारी, मैं एक वेरीफाइड एज वेल एज ए प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्रॉम सीएसआईआर यूजीसी नेट लाइफ साइंसेस कैटेगरी. दीज आर माय क्वालिफिकेशंस लाइक आई हैव क्लियर नेट 2017, गेट एक्सेल 2018 एंड आईसीएआर नेट 2018 एंड आई हैव डन माय बीएससी एंड एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी. तो इन केस अगर आपको मेरे लेक्चर्स बेनिफिशियल लगते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कुछ पोर्शन जो है लाइक आप मेरी हेल्प ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर सी एस आई नेट, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस जो कि आपकी पेड क्लासेस होती हैं और रेगुलर बेसिस पे लाइव फॉर्म में चलती हैं. ओके, तो हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं लाइक बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं. कल हमने यहीं पे अपने लेक्चर को रोका था. तो सेल सरफेस में हमने ये देखा था कि सेल सरफेस रिसेप्टर का मीनिंग ही क्या होता है, कि सेल के सरफेस पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, राइट. मान लीजिए दिस इज अ रिसेप्टर, सेल के सरफेस पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है. तो हमने ये देखा था कि ऐसे रिसेप्टर के जो लाइगेंड्स होते हैं वो आकर उनके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड करते हैं, सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका टारगेट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसके बाद वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है. जिसके लिए सेल सरफेस रिसेप्टर के पास तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है एन एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन जहां से आकर लाइगेंड बाइंड करता है. सेकेंड होता है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन, यानी हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, राइट. हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है. एंड थर्ड इज द इंट्रासेलुलर डोमेन जो कि सिग्नल को आगे भेजने का काम करता है. तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन हो रखा है, एक्स्ट्रासेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर. तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ों को कवर अप किया था. अब इसके बाद जो है हम टारगेट कर रहे हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर का एक जो पहला एग्जांपल होता है दैट इज अ जीपीसीआर, ठीक है. और दूसरा एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला दैट इज द एंजाइम लिंक रिसेप्टर और एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर, वॉट एवर यू कैन से. तो पहला हम फोकस कर रहे हैं पहले टाइप के बारे में दैट इज जीपीसीआर. ओके, तो जी पी सी आर की बात करें तो जो फुल फॉर्म है जी पी सी आर का वो क्या बनता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. क्योंकि जी प्रोटीन इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से कपल फॉर्म में होता है, उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में वहाँ से कनेक्टेड होता है, कपलिंग फॉर्म में रहता है, इसलिए हम इसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स भी कहते हैं. तो जी प्रोटीन लिंक्ड होता है रिसेप्टर से और जी पी सी आर लिंक्ड रिसेप्टर भी हम इसे कह सकते हैं. सो द जी प्रोटीन रिसेप्टर बाइंड्स अ लाइगेंड एंड एक्टिवेट अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल दी जी प्रोटीन. तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में क्या होता है कि एक लाइगेंड आकर बाइंड करता है रिसेप्टर से और उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो जी प्रोटीन होता है उससे आकर वो एक्टिवेट कर देता है. द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन देन इंट्रैक्ट विद एन एंजाइम इन द मेम्ब्रेन. और इन केस जिस सेल के अंदर ये इंट्रैक्शन हो रहा है, अगर उसके मेम्ब्रेन में कोई एंजाइम प्रेजेंट है जो कि टारगेट हो सकता है जी पी सी आर का,
तो GPCR एक्टिवेट होने के बाद उसे क्या करता है, उसे टारगेट करके उसका एक्टिवेशन करवा देता है. वंस द जी प्रोटीन बाइंड्स टू द रिसेप्टर द जी प्रोटीन चेंजेस शेप बिकम एक्टिव एंड स्प्लिट इंटू टू डिफरेंट सब यूनिट्स. एक बार अगर जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो गया तो ये देखने को मिलता है कि जी प्रोटीन अपना शेप चेंज कर सकता है, खुद को एक्टिव कर सकता है, इनफैक्ट डिफरेंट यूनिट्स में भी स्प्लिट हो सकता है, टूट सकता है. ठीक है, वन और बोथ ऑफ दिस सब यूनिट मे बी एबल टू एक्टिवेट अदर प्रोटीन एज वेल. इसमें क्या बोला गया है कि जो सब यूनिट्स बनेंगे यानी जी प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू द एक्टिवेशन, तो दो जो सब यूनिट बनेंगे वो दोनों के दोनों सब यूनिट अलग अलग पाथवे में जाके खुद का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन टारगेट. सो अगर स्पेसिफिकली जी प्रोटीन के बारे में बात करें तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर दे आर नोन एज अ लाइक, इन दोनों में से किसी भी नाम से आप इन्हें लाइक जाना जा सकता है. ये तो दोनों का नाम जो है, दोनों जो नाम है वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया गया है. इट इज़ अ सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, इसके पास सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, इसलिए हम इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं. इट इज़ अ लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सर्फेस रिसेप्टर, सेल सर्फेस रिसेप्टर का ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली होता है. मल्टीपास सिंगल पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो सिंगल ही होता है लेकिन सेवन टाइम्स उसने क्या कर रखा है, स्पैन कर रखा होता है. यहाँ पे जैसे कि मेंशन है सेवन टाइम्स जो है स्पैन करके रखा होता है लेकिन पेप्टाइड एक ही होता है. उसके बाद है इट इज़ प्रेजेंट इन मेनली यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा. तो अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे हम एक लाइन में इसको कह सकते हैं कि जी पी सी आर आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर दैट ट्रांसमिट सिग्नल इनसाइड द सेल विद द एक्शन ऑफ द गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन कॉल द जी प्रोटीन. तो जी प्रोटीन का नाम ही क्या होता है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, क्योंकि वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड से जाकर बाइंड करते हैं. तो ये कुछ बेसिक था रिगार्डिंग द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. तो ज़रा देखिए यहाँ पे जैसे कि बता रखा है कि ये है इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, कब इनएक्टिव फॉर्म है, जब लाइगेंड आकर बाइंड नहीं किया है, लाइगेंड ने आके रिसेप्टर से जब तक बाइंड नहीं किया है दिस इज अ इनएक्टिव फॉर्म. लेकिन एक बार लाइगेंड अगर बाइंड कर गया तो ये एक्टिव फॉर्म में चला आता है. अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या होगी कि हाँ इनका जो एक्टिवेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जी प्रोटीन के बारे में जानना ज़रूरी होगा. तो अगर जी प्रोटीन के बारे में बात करें तो जी प्रोटीन है क्या एक्चुअल में, जैसे कि बोला कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है इसलिए हम इसे जी प्रोटीन कहते हैं. जी प्रोटीन जो है ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है. ठीक है, जी का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में आ गया. द जी प्रोटीन ऑल्सो नोन एज द गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर स्विच इनसाइड द सेल एंड आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड अ सेल टू द इंटीरियर. तो ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है. कौन, जी प्रोटीन, क्योंकि ये पाथवे को ऑन भी कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है. जी वेरी गुड आफ्टरनून सलमा, ऑन भी कर सकता है ऑफ भी कर सकता है. अब ऑन और ऑफ करने का जो इसका स्टेट होगा वो अलग अलग हुआ कि किस फॉर्म में ये ऑन करेगा किस फॉर्म में ये ऑफ करेगा. सो जी प्रोटीन बिलोंग टू द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम जो कि है जी टी पेज. तो जी प्रोटीन जो है जी टी पेज फैमिली से बिलोंग करता है. एनी वन नोज वॉट इज़ अ फंक्शन ऑफ जी टी पेज, जी हेलो खान, एनी वन नो जी टी पेज का फंक्शन क्या है, जी गुड मॉर्निंग सोनम, जी टी पेज का फंक्शन क्या है एनीवन, जी टी पेज क्या करता है, जी टी पेज जी टी पी का हाइड्रोलिसिस करवाएगा. राइट, हाइड्रोलिसिस करवाएगा. वो एंजाइम को हम क्या कहेंगे, उस एंजाइम को हम बोलेंगे जी टी पेज. सो अगर जी प्रोटीन की बात करें, सो जी प्रोटीन आर दी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विद दी एबिलिटी टू बाइंड विद दी गुआनिन न्यूक्लियोटाइड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यानी जी प्रोटीन जो है एट अ टाइम जी टी पी के साथ भी बाइंड हो सकता है एज वेल एज जी डी पी के साथ भी बाइंड हो सकता है. ठीक है, दोनों में से किसी के साथ भी बाइंड हो सकता है, लेकिन बाइंडिंग स्टेट ये बताएगा कि एक्टिव कब है इनएक्टिव कब है. अगर वो जी टी पी से बाइंड करता है, जी प्रोटीन जी टी पी से बाइंड करता है तो ये रहेगा ऑन स्टेट, लेकिन वो अगर जी टी पी से बाइंड करता है तो ये रहेगा ऑफ स्टेट.
So the G protein are specialized protein with the ability to bind with the nucleotide guanosine triphosphate as well as the guanosine diphosphate. So GDP ke saath bhi bind kar sakta hai, GTP ke saath bhi bind kar sakta hai. The G protein that associated with the GPCR are heterotrimeric. Ye kya hote hain? G proteins kya hote hain aapke? Heterotrimeric. Alpha, beta aur gamma subunits se milke bane hote hain. Tino ke tino subunit kya hain? Different hain, yani they are hetero. Aur trimer bana rahe hain to yani trimeric. Okay? They are heterotrimeric. Meaning they have a three different subunit, an alpha subunit, beta subunit and a gamma subunit. ठीक है? Alpha, beta, gamma subunit होता है. तीनों different subunit है, इसलिए word use किया है hetero. Trimer बनाएंगे एक साथ मिलके, monomer मिलके trimer बनाएंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं hetero trimeric. Yes. तो ये हो गया आपके कि G protein का meaning क्या होता है. आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ पता ही नहीं होता है कि G protein किस किस चीज़ के लिए stand होता है, इसका क्या function होता है. Okay. तो पहले G protein की बात करें कि G protein क्या है, ये हमें समझ में आ गया. तो on और off state की बात करें यहाँ पे, तो mention है कि अगर GDP, ठीक है, अगर GDP मान लीजिए G protein GDP के साथ bound है, GDP को अगर रिप्लेस करके GTP वहाँ पे लगा दिया तो वो जो पाथवे है वो एक्टिव हो जाएगा या ऑन हो जाएगा. ठीक है, एक्टिव हो जाएगा या ऑन हो जाएगा. ये कैसे होता है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि इनएक्टिव वो किस स्टेज में रहता है. तो इनएक्टिव किस स्टेज में रहता है, जब GTP को हटा के GTP का हाइड्रोलिसिस करके उसको GDP में चेंज कर दिया जाता है. तो जब तक देख रहे जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों सब यूनिट हैं, अल्फा सब यूनिट जब तक जीडीपी से बाउंड रहेगा ये पाथवे ऑफ रहेगा या इनएक्टिव रहेगा, यानी ये वाला सिग्नलिंग पाथवे आगे बढ़ेगा ही नहीं. लेकिन जैसे ही जीपीसीआर ने लाइगेंड से आके बाइंड किया, लाइगेंड से बाइंडिंग के बाद क्या होता है, ये जीडीपी जो है रिमूव हो जाता है यहाँ से और जीटीपी आकर वहाँ लग जाता है. जैसे ही जीटीपी अल्फा सब यूनिट से आके बाइंड करता है, बाइंड करते ही अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है, बीटा गामा अलग हो जाता है. अल्फा सब यूनिट कहलाता है अल्फा सब यूनिट मोनोमर, अल्फा मोनोमर कहलाता है, और ये बीटा गामा डाइमर कहलाते हैं. ठीक है, तो इनका जो एक्टिव स्टेट होता है वो यही होता है. बीटा गामा को अगर काम करना है तो वो इसी फॉर्म में काम करेंगे, डाइमर के फॉर्म में, और अल्फा को अगर काम करना है तो जब तक जीटीपी से बाउंड है तब तक वो एक्टिव रहेगा. अगर हम चाहते हैं कि अल्फा सब यूनिट इनएक्टिव हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा सब यूनिट के साथ जो जीटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा ताकि वो जीडीपी में बदल जाए, और जीडीपी में बदलने के बाद वो आकर फिर से इन ये जो डाइमर है इसके साथ आके फिर से बाइंड करके हेट्रोट्राइमरिक जी प्रोटीन बना लेगा, यानी फिर से वो अपना इनएक्टिव स्टेट जो है उससे गेन कर लेगा. तो दिस इज अ होल फंडा कि हो क्या रहा है, कि अगर ट्राइमर फॉर्म में रहे तो वो इनएक्टिव कहलाएंगे, मोनोमर और डाइमर फॉर्म में रहे तो वो एक्टिव कहलाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया जी प्रोटीन का फंडा कि ये कैसे काम कर रहा है. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जी मतलब कि जो जी प्रोटीन है एज वेल एज जी पी सी आर है वो कैसे काम करता है. ठीक है, ओके. तो ध्यान देने वाली बात सारी की सारी यहीं से शुरू होती है, दैट इज अ जी प्रोटीन जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट बाइंड आइदर दी जीटीपी और जीडीपी. अब जो अल्फा सब यूनिट है एट अ टाइम या तो वो जीटीपी के साथ बाउंड हो सकता है या तो जीडीपी के साथ बाउंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दी प्रोटीन इज एक्टिव और इनएक्टिव. प्रोटीन मेक श्योर अगर प्रोटीन एक्टिव रहता है तो हमेशा ही जीटीपी प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, और अगर इनएक्टिव होता है तो जीडीपी रहेगा. इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नलिंग, यानी सिग्नलिंग एबसेंट है मतलब नो लाइगेंड, राइट, लाइगेंड जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं है, नो लाइगेंड. सो इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड जीडीपी अटैच टू द अल्फा सब यूनिट. जब लाइगेंड नहीं है तो जीडीपी किससे बाइंड करके रखता है, जीडीपी जो है अल्फा सब यूनिट से बाइंड करके रखता है अलॉन्ग विथ बीटा एंड गामा. ठीक है, एन एंटायर जी प्रोटीन जीडीपी कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द नियर बाई जीपीसीआर, और जीपीसीआर के साथ इनकी बाइंडिंग जो है एज इट इज मेंटेन रहती है. So this arrangement persists until a signaling molecule join with the GPCR. ये जो overall signaling है, I mean ये जो arrangement है वो कब तक persist करता है, जब तक signaling molecule नहीं चला आता. एक बार signaling molecule आने के बाद क्या होता है, एक बार signaling molecule आने के बाद GPCR active हो जाता है.
सो एट दिस पॉइंट जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर जी पी सी आर से बाइंड कर चुका है, अ चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ द जी पी सी आर एक्टिवेट द जी प्रोटीन एंड द जी टी पी फिजिकली रिप्लेस द जी डी पी बाउंड टू द अल्फा सब यूनिट. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक बार अगर वो पाथवे एक्टिवेट हो गया यानी लाइगेंड आ गया तो क्या देखने को मिलता है कि जी पी सी आर एक्टिवेट हो जाता है, उसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंज देखने को मिलते हैं. वो जो कन्फर्मेशन चेंज होता है वो क्या करवाता है, वो जी टी पी को लेकर आता है और जी डी पी को हटा के जी टी पी उसकी जगह पर लगा देता है, क्योंकि जी टी पी स्टेट जो होता है वो एक्चुअल में एक्टिव होता है, तो जी डी पी का वहाँ से हटना ज़रूरी है तभी आकर जी टी पी वहाँ पर लगेगा. सो एज अ रिजल्ट दी जी प्रोटीन सब यूनिट, एज अ रिजल्ट दी जी प्रोटीन सब यूनिट डिसोसिएट इंटू टू पार्ट. जैसे ही ये होता है वैसे ही क्या होता है, जी प्रोटीन दो पार्ट में, दो सब यूनिट में चेंज हो जाता है, दी जी टी पी बाउंड अल्फा सब यूनिट एंड अ बीटा गामा डाइमर. तो बीटा गामा डाइमर बन जाते हैं एक जगह पे और एक जगह पे अल्फा सब यूनिट विथ जी टी पी बन जाता है. बोथ पार्ट रिमेन एंकर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के दोनों पार्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही मतलब अटैच होते हैं, बट दे आर नो लॉन्गर बाउंड टू दी जी पी सी आर, लेकिन जी पी सी आर से अब वो बाउंड करके नहीं रहते हैं. सो दे कैन नाउ डिफ्यूज लेटरली टू इंट्रैक्ट विद अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो आगे की तरफ डिफ्यूज कर सकते हैं ताकि बाकी मेम्ब्रेन प्रोटीन से वो इंट्रैक्ट कर सके. जी प्रोटीन रिमेन एक्टिव एज लॉन्ग एज अल्फा सब यूनिट्स आर ज्वाइंट विथ जी टी पी. जी प्रोटीन तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि जी टी पी जो है वो अल्फा सब यूनिट से बाइंड करके रखे. ये बाइंडिंग जब तक रहेगी तब तक क्या होगा, ये पाथवे एक्टिव रहेगा. However, when a GTP is hydrolyzed back to the GDP, लेकिन जब हम GTP को वापस से hydrolysis करवा देंगे GDP में, the subunit once again assume the form of an inactive heterotrimer and the entire G protein reassociate and become inactive GPCR. अब इसके बाद क्या बोला गया है कि अगर हमने इस पाथवे को इनएक्टिव कर दिया, मतलब कि GTP का hydrolysis करवा के GDP अगर कर दिया, तो ये वापस से हेट्रोट्राइमर बना लेंगे और जो जी प्रोटीन है वापस से अपने ट्राइमरिक फॉर्म में चला आएगा और हेंस जी पी सी आर इनएक्टिव हो जाएगा. इन दिस वे जी प्रोटीन वर्क लाइक अ स्विच. इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जी प्रोटीन कैसे काम कर रहा है, स्विच की तरह काम कर रहा है. इट टर्नड ऑन और ऑफ बाई अ सिग्नल रिसेप्टर इंट्रैक्टिंग ऑन द सेल सरफेस. तो जी प्रोटीन देख रहे हैं, जी प्रोटीन का ही स्टेट है जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि कौन मतलब ये जो पाथवे है वो एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा. क्योंकि अगर जी प्रोटीन जी टी पी से बाइंड कर रहा है तो एक्टिव रहेगा, जी डी पी से बाइंड कर रहा है तो वो इनएक्टिव रहेगा. जी यहाँ तक सभी को बातें समझ में आ गई एवरीवन. अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं हम उस मैकेनिज्म की बात करते हैं कि क्या बोला गया है. सो मैकेनिज्म की बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है, वी आर स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट, ठीक है. व्हेन अ लाइगेंड एक्टिवेट द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशन चेंज इन द रिसेप्टर दैट अलाउ द रिसेप्टर टू फंक्शन एज अ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर दैट एक्सचेंज द जी डी पी फॉर जी टी पी दस टर्निंग द जी पी सी आर ऑन. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइगेंड आकर बाइंड करता है जी पी सी आर से, तो जी पी सी आर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो जी पी सी आर होता है यानी जो रिसेप्टर होता है, जो रिसेप्टर होता है, इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक वॉट, इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ जी ई एफ, ठीक है, जी ई एफ की तरह बिहेव करने लगता है. जी ई एफ का मीनिंग क्या होता है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज कर सकता है. अब रिसेप्टर जब जी ई एफ की तरह बिहेव करने लगता है तो वो एक्चुअल में क्या करता है, जो अल्फा सब यूनिट पे जी डी पी लगा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, अल्फा सब यूनिट पे जो जी डी पी लगा है उसको यहाँ से हटा देता है और उसकी जगह पे लाकर जी टी पी को प्लेस कर देता है, ठीक है, जी डी पी को रिमूव करके जी टी पी को यहाँ पे प्लेस कर देता है. So this exchange triggered the dissociation of the alpha subunit which is bound to the GTP from the that is G protein beta gamma dimer and the receptor as a whole. जैसे ही ये होता है यानी alpha subunit जैसे ही आके GTP से bind करता है, next step क्या होता है, that is the dissociation. Okay, dissociation. Dissociation में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि GDP यहाँ पर remove हो चुका है, alpha subunit से जाकर GTP bind हो चुका है, right?
जैसे ही जी टी पी बाइंड होता है क्या होता है, अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ मोनोमर, ओके, और जी बीटा गामा क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर. फाइन, तो मोनोमर बन गया, डाइमर बन गया. और ये क्यों हुआ, क्योंकि जी टी पी आकर बाइंड कर गया. जी टी पी बाइंडिंग स्टेट इज अ एक्टिव स्टेट. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेंशन है जी अल्फा जी टी पी एंड जी बीटा गामा कैन ऑफन एक्टिवेट द डिफरेंट सिग्नलिंग कैस्केड और द सेकेंड मैसेंजर पाथवे एंड अफेक्टेड प्रोटीन्स वाइल द रिसेप्टर इज एबल टू एक्टिवेट द नेक्स्ट जी प्रोटीन. तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि अब जो है ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो गई है, मतलब ये वाला फॉर्म भी एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये वाला फॉर्म भी एक्टिवेटेड था क्योंकि जी टी पी बाउंड था. तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो अल्फा जी टी पी का जो टारगेट पाथवे होगा ये वहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखा सकते हैं और उस पाथवे को एक्टिवेट करवा सकते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन एंजाइम को ये एक्टिवेट कर सकते हैं. और बीटा गामा जिस पाथवे के लिए स्पेसिफिक है ये उस पाथवे में जाकर एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे सभी चीज़ों का एक्टिवेशन करवा सकते हैं. जैसे ही सारा काम पूरा हुआ उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद ये ज़रूरी है कि अल्फा सब यूनिट जो है वो जी टी पी से डिसोसिएट हो जाए ताकि इनएक्टिव स्टेट हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये एक एक्टिव स्टेट है. अब पाथवे तो हमेशा एक्टिव स्टेट में नहीं रहना चाहेगा ना, काम होने के बाद वो अपने इनएक्टिव स्टेट में जाना चाहेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा. तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, दी जी अल्फा सब यूनिट विल इवेंचुअली हाइड्रोलाइज द अटैच जी टी पी टू जी डी पी बाय इट्स इनहेरिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी अलाउविंग इट टू री एसोसिएट विथ जी बीटा गामा एंड स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल. तो अभी हमने बात किया था कि जी प्रोटीन का नेचर क्या होता है, जी टी पेज होता है, ठीक है, जी प्रोटीन का जो नेचर होता है दैट इज अ जी टी पेज. तो जो अल्फा सब यूनिट है वो अपना जी टी पे, उसके पास एक जी टी पेज मतलब आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है. तो अल्फा सब यूनिट क्या करता है, अपने जी टी पेज प्रॉपर्टी से क्या करता है, जी टी पी को हाइड्रोलाइज करवा देता है और चेंज करवा देता है जी डी पी में. जैसे ही जी डी पी में चेंज होता है यानी अल्फा सब यूनिट अब जी डी पी से बाइंडेड है और आपको पता है ये क्या हुआ, इनएक्टिव स्टेट. तो जैसे ही जी टी पी को रिप्लेस करके जी टी पी का हाइड्रोलिसिस करके जी डी पी आके कनेक्ट हो जाता है, अल्फा सब यूनिट जो है डायमंड के साथ बाइंड होके वापस से जो ट्राइमेरिक फॉर्म है वो बना लेता है, जो कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये वापस से बाइंड हो गया जैसे ही जी डी पी आकर बाइंड हुआ और ये वापस से हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म बना लेता है, यानी अपना इनएक्टिव स्टेट जो है वो वापस से गेन कर लेता है. और ये साइकिल फिर से रेडी है एक लाइगेंड को रिसीव करने के लिए और वापस से इस साइकिल को पूरा का पूरा रिसीव करने के लिए. तो ये जो हाइड्रोलिसिस हो पाया वो किस वजह से हो पाया, क्योंकि अल्फा सब यूनिट के अंदर जी टी पेज एक्टिविटी होती है जो कि जी टी पी को ब्रेक करके जी डी पी में कन्वर्ट करना जानती है. सो जी अल्फा सब यूनिट कंटेन दी जी टी पेज डोमेन विच इज कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग जी टी पी टू जी डी पी, ठीक है. दी लेंथ ऑफ द जी प्रोटीन सिग्नल इज कंट्रोल बाय द ड्यूरेशन ऑफ द जी टी पी बाउंड अल्फा सब यूनिट विच कैन बी रेगुलेटेड बाई दी आर जी एस, जो कि क्या है, जो कि है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग. फाइन, तो यहाँ पे कैसे चीजें कंट्रोल हो रही हैं, जो जी डी पी टू जी टी पी कन्वर्जन है ये कौन कर रहा था, जी हेलो उर्वशी, जी डी पी टू जी टी पी कन्वर्जन कौन कर रहा था गाइज, या फिर रिप्लेसमेंट कौन कर रहा था, रिप्लेसमेंट जो हो रहा था वो कर रहा था जीईएफ, ठीक है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. लेकिन अभी जो होगा दैट मींस वापस से जीटीपी को जीडीपी में चेंज करना है, तो जीईएफ क्या कर रहा है, जीईएफ कर रहा है जीडीपी को रिप्लेस करके जीडीपी में जीटीपी में चेंज करने का, रिप्लेस कर दे रहा है, कौन कर रहा है, जीईएफ कर रहा है, ठीक है. लेकिन जब जीटीपी बाउंड है तो जीटीपी टू जीडीपी जब कन्वर्ट करना है तो कौन करेगा और किससे होगा, हाइड्रोलिसिस से होगा, और कौन करेगा, जीटीपेज करेगा. पर क्या जीटीपेज ऐसे ही खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होगा. तो वही बोला गया है कि कैसे एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा आरजीएस की हेल्प से. आरजीएस क्या है, आरजीएस है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, ये भी एक टाइप का प्रोटीन ही है जिसे हम बोल रहे हैं आरजीएस प्रोटीन, ठीक है.
and act as a GTPase activating protein. ये जो RGS है, RGS, it is acting as a gap. Gap क्या हुआ? GTPase activating protein. यानी उस protein का नाम RGS है, लेकिन काम क्या है? Gap की activity को enhance करना, मतलब GTPase activating protein की तरह काम करना. जैसे ही RGS alpha subunit से bind करेगा, वो alpha subunit के अंदर का GTPase activity जो है, उसे activate कर देगा. And act as a GTPase activating protein are specific for the G alpha subunit. और जब ये gap की तरह काम करेगा, यानी GTPase का activation किसकी वजह से हुआ? Gap की वजह से हुआ. जब gap की तरह काम करेगा, तो क्या होगा? That is GTP जो है वो GDP में convert हो जाएगा. So is this clear to everyone? मैं इसको एक बार फिर भी summarize कर दूँगी. Yeah, Sahil, we are working on that, but it's like, you know, on this level, that is on the level of CSIR NET, you need to have a so many huge notes. जो कि अगर हम आपको normally board पे भी पढ़ाते हैं, in case fine, आप जो बोल रहे हैं उस पे हम already काम कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है ना कि जब हम आपको notes provide करते हैं, तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीजें लिख रखी हैं. लेकिन अगर मैं board पे बताऊँगी, तो मैं आपको सिर्फ normal gist बताऊँगी. तो होगा क्या कि आपको चीजें तो समझ में आ जाएगी, बट जो नोट्स वाला एक फॉर्म होता है, दैट विल बी लैकिंग, राइट? जो कि हो सकता है कि फिर प्रॉब्लम करे, क्योंकि क्लास में जो हम आपको पढ़ाते हैं, वो आप उससे जब घर में पढ़ते हो तो रिलेट कर पाते हो कि हाँ, पीपीटी में ऐसा कुछ पढ़ा था, यही सब चीजें लिखी हुई हैं. लेकिन अगर हम आपको नोट्स अलग से भी प्रोवाइड करते हैं, तो माइट बी दैट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. कुछ चीजें आपको समझ में आए, कुछ चीजें आपको समझ में ना आए. क्योंकि मुझे लगता है जो बोर्ड वाले सिस्टम होते हैं, यानी बोर्ड पे पढ़ाने वाला सिस्टम क्या होता है, वो उस वक्त पे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जब हम बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ रहे होते हैं. लेकिन CSIR NET आपको पता है कि आपको बहुत ही ब्रॉड वे में पढ़ने के लिए कहता है. एंड ब्रॉडनेस मीन्स यू नीड अ हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. और हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली आपको PPT का सहारा लेना ही पड़ता है. बट या जो भी आपने कहा है, हम उस पर भी काम करें कि हाँ, हम बोर्ड के थ्रू जो है आपको पढ़ाएं. वी आर वर्किंग ऑन दैट. तो देखते हैं ये कब तक टेक्नोलॉजी आती है और कितना फ्रूटफुल रहती है. मतलब ये इम्प्लीमेंट करने को तो हम कर देंगे, लेकिन कितना फ्रूटफुल रहता है, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी देखना बाकी है. तो इस पे अभी काम चल रहा है, ये जो डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाने वाला जो है, उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं. सो लेट्स सी कब तक ये प्लान इम्प्लीमेंट हो पाता है. ओके, तो अगर मैं एक बार समराइज करना चाहूँ, तो इसको मैं किस फॉर्म में समराइज कर सकती हूँ? फर्स्ट जो है, दैट इज जब जीपीसीआर जब लाइगेंड से बाइंड करेगा, तो जीपीसीआर का कौन सी एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी? दैट इज जीईएफ एक्टिवेट हो जाएगी. ठीक है, जो कि क्या करेगी, जो कि जी प्रोटीन में जो कि जीडीपी से बाउंड था, अब उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. यानी सॉरी, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसके थ्रू? रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज जीईएफ के थ्रू. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा जीटीपी बन जाएगा और बीटा गामा हो जाएगा. जी स्वाति, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन लेती हैं. तो ये हो जाएगा बीटा गामा. अब ये हो गया क्या? ये हो गया एक्टिव स्टेट, राइट? दिस इज अ एक्टिव स्टेट. काम किया इसने, प्रोटीन का सिंथेसिस किया, आपने टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट किया. इसके बाद काम क्या है? इसके बाद काम है कि इसको इनएक्टिव किया जाए. अब इनएक्टिव के लिए क्या होगा? अल्फा जीटीपी जो है, इसको क्या किया जाएगा? इसको आरजीएस सिग्नल से एक्सपोज किया जाएगा, आरजीएस सिग्नल से, जो कि गैप की तरह काम कर रहा है. गैप की तरह काम कर रहा है, तो क्या होगा? गैप जो है अल्फा सब यूनिट का जीटीपेज एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से ये जो अल्फा जीटीपी है, अब वो अल्फा जीडीपी बन जाएगा. और क्या करेगा? वो बीटा और गामा से आकर कनेक्ट होने की कोशिश करेगा और वापस से ये यही वाला फॉर्म ले लेगा, दैट इज जी प्रोटीन जीडीपी फॉर्म, जिसमें कि अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों के तीनों जो है आपस में बाइंड करके एक इनएक्टिव स्टेट बना लेंगे. ठीक है,
साहिल आप मतलब आप बोल रहे हैं इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट बट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एजुकेटर. एक्चुअल में प्रॉब्लम दोनों तरफ से क्रिएट होगी जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, नीट नीट का प्रिपरेशन हो गया, ट्वेल्थ का प्रिपरेशन हो गया, जो बोर्ड बोर्ड के थ्रू जो समझाते हैं दैट इज़ समथिंग एल्स. अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम आपको सेल सिग्नलिंग तो चलिए ठीक है बोर्ड के थ्रू समझा देंगे. कभी सोचा है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन इन द सेंस लाइक डाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इसको बोर्ड के थ्रू कोई कैसे समझाएगा? डायग्राम्स तो इनमें बहुत ही कम होते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी भरी हुई है. तो थ्योरी अगर पढ़ानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंटेंट चाहिए होता है. तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि पीपीटी के थ्रू ही बेस्ट वे में प्रिपेयर होते हैं, अगर कोई पढ़ाए भी या फिर कोई पढ़े भी, क्योंकि इनमें क्या, इनमें डायग्राम्स भी नहीं होते हैं ढंग से, ना ही ऐसी चीज़ें होती है, ना ही फ्लो डायग्राम्स होते हैं, पूरी की पूरी सिर्फ थ्योरी ही भरी हुई है, गेन करने वाला नॉलेज ज़्यादा है. तो बोर्ड किसके लिए सफिशियंट रहता है? सेल बायो हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कि डायग्राम पूरे भरे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भरा हुआ है. लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. बट यार जैसे कि मैंने कहा, वी आर वर्किंग ऑन दैट, जैसे भी हुआ आपके सामने, ऑब्वियसली अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो आप लोग को देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा. क्योंकि मैथ्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बोर्ड का सहारा लेना इज़ वेरी मच फाइन, लेकिन लाइफ साइंस इतना ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, मतलब कि उसके लिए मुझे नहीं पता कि बोर्ड पे अगर इम्प्लीमेंटेशन करे तो हम उसके साथ कितना जस्टिफाई कर देंगे करेंगे. बट ऑल दो बिना एक्सपीरियंस किए हम भी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. जब एक्सपीरियंस हम ले लेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे कि हाँ मतलब क्या ड्रॉबैक रहा या फिर क्या प्लस पॉइंट रहा. सो लेट्स सी, जैसे कि मैंने कहा अनअकैडमी अभी इस चीज़ पर काम कर रहा है कि डिजिटल बोर्ड वाला जो सिस्टम है उसे हम लाइफ साइंस की कैटेगरी में भी लेकर आएँ. ठीक है जी, हेलो नम्रता. तो यहाँ तक सभी को बातें समझ में आ गई? जी यहाँ तक सभी को बातें समझ में आ गई, कैसे कैसे हो रहा था सारा प्रोसेस? ओके, सो जी प्रोटीन, जी पीसीआर के रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें चले आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, यानी ये सारे लाइगेंस की तरह काम कर सकते हैं. पेप्टाइड हॉर्मोन्स, इम्यून सेल्स, डिजीज फैक्टर्स, एड्रीनलिन, स्मेल, लाइट, टेस्ट, के सब किस में चले आते हैं? ये सब के सब जी पीसीआर का ही पाथवे फॉलोअप करते हैं. ओके, तो एक क्वेश्चन है, जरा फटाफट से करके मुझे बताइए कि व्हाट शुड बी द आंसर. ओके, सो लेट्स रिकॉर्ड दिस. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ दी थ्री प्रोटीन अल्फा बीटा गामा इन दी अनस्टिमुलेटेड स्टेट. अल्फा सबयूनिट इज जीटीपी बाउंड एंड जी पीसीआर इज इनएक्टिव. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि जब अल्फा सबयूनिट जीटीपी से बाउंड होता है तो वो इनएक्टिव स्टेट में होता है. व्हेन जी पीसीआर गेट एक्टिवेटेड इट एक्ट लाइक अ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीईएफ की तरह काम करना शुरू कर देता है एंड इंड्यूसेस अल्फा सबयूनिट टू रिलीज इट्स बाउंड जीटीपी अलाउिंग जी टी पी टू बाइंड इन इट्स प्लेस. इन ऑर्डर टू रेगुलेट दी जी प्रोटीन एक्टिविटी बाई रेगुलेटिंग दी जी टी जी डी पी जी टी पी कंसेंट्रेशन अल्फा सब यूनिट एक्ट एज वेरी ऑब्वियस नो डाउट इट यूज टू एक्ट एज वॉट जी टी पेस की तरह काम करता है, तभी तो वो जी डी पी और जी टी पी के बीच में स्विच कर पाता है. ठीक है, सो आंसर शुड बी वन. आई होप ये क्वेश्चन जो है सभी को क्लियर हो गया होगा. चलिए एक और क्वेश्चन है, फटाफट से करके बताइए.
जी बाकी सबको क्या कहना है? ओके चलिए क्वेश्चन डिकोड करते हैं एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है. जी प्रोटीन रिसेप्टर आर यूज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स इंक्लूडिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर्स हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग अ ग्लाइकोजन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इवन फोटोन ऑफ लाइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जी पी सी आर इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपसे ये पूछा गया है. पहला क्या है, जी पी सी आर आर अ लार्ज फैमिली विद अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द सेवन मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स. ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, सेवन टाइम उसने मेम्ब्रेन को स्पैन करके रखा होता है. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और से पूछा इनकरेक्ट. सेकेंड देखिए, जी पी सी आर आर कपल टू द ट्राइमेरिक जी प्रोटीन कॉम्प्राइजिंग थ्री सब यूनिट्स अल्फा बीटा एंड गामा. वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्राइमेरिक होते हैं, अल्फा बीटा गामा से ही मिलकर बने होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड देखिए, जी अल्फा सब यूनिट इज अ जी टी पी स्विच प्रोटीन दैट अल्टर्ड बिटवीन एन एक्टिव स्टेट ऑन स्टेट विथ बाउंड जी टी पी एंड एन इनएक्टिव ऑफ स्टेट विद द जी टी पी. तो ऑफ स्टेट जी टी पी के साथ होता है और ऑन स्टेट जो है वो जी टी पी के साथ होता है. तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, the on form get bound to the beta and gamma subunit and activate a membrane bound effector like the adenyl cyclase phospholipase c or ion channel. तो beta gamma के साथ तो पहली बात तो ये on state काम नहीं करता है, alpha subunit जाकर काम करता है, ना कि beta gamma तो किसी और pathway में काम करता है, इस pathway में alpha subunit काम करता है. so this is a false statement, right? so आपका answer क्या हो गया, answer will be 4. सभी को समझ आ गया ये question? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. ये कल जो हमने पढ़ा था उससे आ रखा है ये क्वेश्चन. जी सभी का आंसर आ गया. सम टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्ड टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन बाय सिंथेसाइजिंग अ ग्रोथ फैक्टर दैट कॉजेस द टी सेल प्रोलिफरेट देयर बाय इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिव टी सेल लिम्फोसाइट रिजल्टिंग इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो बताना है कि टी सेल का जब प्रोलिफरेशन होता है तो वो खुद के लिए ही ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं और उसके बाद खुद का प्रोलिफरेशन करवाते हैं. तो ये किस टाइप का बिहेवियर हो गया, ये हो गया आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का बिहेवियर. ठीक है, एंडोक्राइन में तो ब्लड स्ट्रीम की जरूरत होती है, पैराक्राइन एडजेसेंट सेल के साथ इंटरेक्शन होता है, साइक्लिक सिग्नलिंग इसमें कुछ अप्लाई नहीं होता है एंड ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कि खुद की सिग्नलिंग के लिए खुद ही मॉलिक्यूल सिक्रीट किया जाता है और खुद ही रिस्पॉन्ड किया जाता है. ठीक है, चलिए तो एक समरी छोटा सा मैं बता देती हूँ आपको कैम पाथवे का. बिकॉज कैम पाथवे क्या करता है, कैम पाथवे किसके थ्रू काम करता है, जी पी सी आर के थ्रू ही काम करता है. ठीक है, ओके लेट्स प्रोसीड. सो जब कैंप की हम बात करते हैं तो कैंप का सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो मतलब कि बनता कैसे, दैट इज द साइक्लिक एएमपी, राइट? साइक्लिक एएमपी. तो साइक्लिक एएमपी की बात करें तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का डेरिवेटिव होता है, एटीपी का डेरिवेटिव होता है. जब साइक्लाइजेशन इसमें होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी कहते हैं. सो द साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएएमपी और साइक्लिक एएमपी और 3-5
3-5 cyclic adenosine monophosphate is a second messenger important in many biological process. So CAMP किसकी तरह काम करता है? Second messenger की तरह भी काम करता है, right? Second messenger की तरह भी काम करता है. जी रजनी, क्या क्लियर नहीं हुआ है बताएंगी आप? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपको? अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की होगी तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि कल की क्लास में इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है. टी सेल जब होते हैं, टी सेल जब एंटीजन से इनकाउंटर करते हैं, तो इससे इनकाउंटर करने के बाद टी सेल कुछ फैक्टर सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर. और उस फैक्टर को रिसीव करने के लिए टी सेल जो होते हैं, टी सेल खुद ही कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो फैक्टर ये सिक्रीट कर रहे हैं उसको ये खुद ही रिसीव करते हैं और खुद का प्रोलिफरेशन करवा लेते हैं, मतलब खुद की पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं. तो ये किस टाइप का सिग्नलिंग हुआ कि खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भेज रहे हैं और खुद ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो इस टाइप की जो सिग्नलिंग होती है कि हाँ, खुद के प्रोडक्ट के लिए खुद ही रिस्पॉन्ड देना, इसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो कि हमने कल पढ़ा था कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैसे काम करता है. सो वही क्वेश्चन में पूछा था कि टी लिम्फोसाइट्स का जब प्रोलिफरेशन होता है तो ये देखा जाता है कि वो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं, खुद का भी प्रोलिफरेशन कर लेते हैं, यानी उसको प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हैं, रिसीव भी खुद कर रहे हैं. तो ये जो इस टाइप की सिग्नलिंग होती है उसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा रजनी, और अगर फिर भी ना हुआ हो अच्छे से तो कल की क्लास जो है देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ज्योति कुमारी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकती हैं. ओके, तो हम जैसे कि बात कर रहे थे सीएएमपी के बारे में कि सीएएमपी जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का डेरिवेटिव है, वहाँ से डिराइव किया जाता है. तो साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस जो होता है एटीपी से किया जाता है, और किसके थ्रू होता है? दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम. ओके, ये रहा एटीपी, और यहाँ से जो होता है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, जो कि इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, और इसकी प्रेजेंस में एटीपी जो है साइक्लिक एएमपी में चेंज हो जाता है. ठीक है, दो पीपीआई निकलते हैं, पाइरोफॉस्फेट निकलते हैं यहाँ से, और वो साइक्लिक एएमपी में चेंज हो जाता है. लेकिन अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का हेल्प लेना पड़ेगा. ओके, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वो पूरा उल्टा करवाता है. वो सी एएमपी को क्या करता है? एएमपी में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो जो साइक्लाइजेशन प्रोसेस हुआ होता है उस साइक्लाइजेशन प्रोसेस को हटा देता है कौन? फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, जिसे हम पीडीई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, और एडिनाइल साइक्लेज को हम एसी कहते हैं. तो एसी क्या कर रहा है? एसी जो है सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और पीडीई क्या कर रहा है? इसी चीज को उल्टा कर दे रहा है, लेकिन एएमपी में कन्वर्ट कर दे रहा है कौन? पीडीई. ओके, अब हम बात करते हैं पाथवे की, कि साइक्लिक एएमपी का पाथवे एक्चुअल में हो कैसे रहा है. तो देखिए, सबसे पहले दिस इज अ जीपीसीआर, ठीक है, जो कि किसका वेट कर रहा है? जो कि वेट कर रहा है लाइगेंड का, और उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में यहाँ पे जी प्रोटीन प्रेजेंट है अल्फा बीटा गामा फॉर्म में. अल्फा सब यूनिट जीडीपी से बाउंड हो रखा है. तो अभी तक तो क्या है, अभी तक जो जी प्रोटीन है दैट इज इनएक्टिव. क्यों? क्योंकि लाइगेंड नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड आने के बाद क्या होगा? वो आके जीपीसीआर पे बाइंड करेगा. जीपीसीआर पे बाइंड करने के बाद क्या होगा? उसका कन्फर्मेशन चेंज होगा, और जीपीसीआर जो है किसकी तरह एक्ट करेगा? जीईएफ की तरह एक्ट करेगा. जीईएफ की तरह एक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कि अल्फा सब यूनिट में जो जीडीपी लगा था वो हट जाएगा और वहां पे आके जीटीपी लग जाएगा, और हेंस अल्फा सब यूनिट का बीटा गामा के साथ डिसोसिएशन हो जाएगा. तो ये जो बाइंडिंग रहती है वो गामा के थ्रू रहती है मेम्ब्रेन में. ठीक है, सो दोनों की दोनों चीजें एक्टिवेट हो गई. अब क्या होगा? अब अल्फा सब यूनिट क्या करेगा? जो मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है जिसे हम बोल रहे हैं एडिनाइलेट साइक्लेज, उसको एक्टिवेट कर देगा. उसके एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है? जितने भी एटीपी प्रेजेंट है सेल के अंदर उनका क्या करने लगता है? उनका कन्वर्जन करने लगता है किसमें? सीएएमपी में. ओके, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो एंजाइम जरूरी है कन्वर्ट करने के लिए वो है एडिनाइलेट साइक्लेज. तो एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी का कन्वर्जन जो है एक्टिवेशन के बाद क्या करता है? सीएएमपी में करने लगता है. अब यहाँ पे आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात. कौन सी? कि सीएएमपी जो है, सीएएमपी प्रोटीन को एक और प्रोटीन बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जो कि जिसे हम बोलते हैं पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए. प्रोटीन काइनेज ए को सीएएमपी की बहुत जरूरत होती है अगर वो नॉर्मली फंक्शन करना चाहे या फिर सिग्नलिंग पाथवे में प्रोसीड करना चाहे. तो पीकेए की भी कहानी है कि उसके पास जो है चार, यहाँ पे मतलब दो टाइप के सब यूनिट देखे जाते हैं.
रेगुलेटरी सब यूनिट, दो रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और दो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं, ठीक है। एक रेगुलेटरी सब यूनिट पे दो सीएमपी बाइंडिंग साइट होते हैं, यानी दो दो रेगुलेटरी सब यूनिट पे कितने बाइंडिंग साइट हो गए, चार हो गए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार बाइंडिंग यहाँ पे सब यूनिट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, किसके, सीएमपी के। तो प्रोटीन काइनेज ए के खुद के पास ही दो सब यूनिट है, रेगुलेटरी सब यूनिट एंड कैटालिटिक सब यूनिट। अब इसके बाद क्या होता है, जब तक ये इस फॉर्म में रहेंगे, टेट्रामर फॉर्म में रहेंगे, तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं। इनका डिसोसिएट होना जरूरी है, तभी जाकर कैटालिटिक जो है, कैटालिटिक एक्शन जो है वो आगे देखने को मिलता है। तो क्या देखा जाता है कि जैसे ही सेल के अंदर सीएमपी बनता है, सीएमपी का कंडीशन क्या हो गया, ज़्यादा अबंडेंट हो गया सेल के अंदर, वो सीएमपी क्या करता है, आता है रेगुलेटरी साइट पर आकर बाइंड कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही इनकी बाइंडिंग होती है, क्या होता है, रेगुलेटरी साइट का और कैटालिटिक साइट का डिसोसिएशन हो जाता है। और डिसोसिएट होते ही क्या करते हैं, डिसोसिएट होते ही जो कैटालिटिक सब यूनिट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है, बिकॉज अब वो फ्री है, अब वो कैटालाइज करेगा, रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, और जो भी उसका टारगेट होता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि क्या है, क्रेब। क्रेब का टारगेट कौन होगा, क्रेब को फॉस्फोलेट करने का काम कौन करेगा, ये कैटालिटिक सब यूनिट, राइट। वो अंदर एंटर करता है, क्रेब को एक्टिवेट करता है, और क्रेब जो है एक्टिवेट होने के बाद वो जितने भी जीन्स की ज़रूरत होती है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, उनका ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। और ये किस किस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जिस जीन का इन्फॉर्मेशन ये लाइगेंड लेकर आया था, ठीक है। और हेंस जिस भी जीन की ज़रूरत होती है फॉर दिस पर्टिकुलर पाथवे, उस जीन का पहले ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, फिर आगे चल के ट्रांसलेशन हो जाएगा, और वो प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस की चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो जो क्वेश्चन वाला एरिया बनता है वो यहाँ से बनता है, ठीक है, कि प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं, कितने सब यूनिट होते हैं, कौन सा सब यूनिट कैटालिटिक होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट पे कितने कैल्शियम सॉरी सीएमपी बाइंडिंग साइट होते हैं। तो बताइए ये सारी चीजें क्लियर हो गई सभी को, एवरीवन? ये पाथवे सभी को क्लियर हो गया? लगता है बड़ी सुस्त ऑडियंस है। ओके, तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ, बिकॉज आप लोग तो रिप्लाई दे नहीं रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाथवे आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, बढ़िया है जी। सीएमपी में अश्वनी, जहां जहां पे सीएमपी की जरूरत होगी वहां वहां पे ये पाथवे काम करेगा, चाहे वो ग्लाइकोजन का पाथवे हो या फिर कोई और पाथवे हो, ठीक है। बिकॉज सीएमपी जो होता है, सीएमपी का आपको पाथवे बहुत सारे मिलेंगे, जिस पाथवे में सीएमपी की जरूरत होती है, और सीएमपी पे डिपेंड होकर बाकी के आगे के पाथवे जो होते हैं वो प्रोसीड होते हैं। तो सिर्फ ग्लाइकोजन ही नहीं, बहुत से अलग अलग पाथवे हैं जहाँ पे सीएमपी का प्रेजेंस देखा जाएगा, कि हाँ जब सीएमपी प्रेजेंट है तभी जाकर आगे का पाथवे एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होगा। चलिए, ओके, तो आज का पोर्शन जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बेसिक देखा जीपीसीआर का, एज वेल एज जो कल का बेसिक था वो भी हमने क्लियर किया, कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। और आज जो है जी प्रोटीन एज वेल एज उसका एक एग्जाम्पल देखा, जिसमें कि हमने सी ए एम पी पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इन केस मुझे प्लस पे ज्वाइन करने के लिए, तो वो मुझे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ माय प्रोफाइल, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे अपने लैपटॉप पे, तो आपको जो है मेरी प्रोफाइल इस ढंग से नज़र आएगी। अगर आपने फॉलो कर नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपको फॉलो का बटन मिलेगा, फॉलो पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको मुझे मैसेज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेरी नॉर्मली गाइडेंस से रिलेटेड हो सकती है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो सकती है। और फिलहाल में जो कोर्स है जो कि जून 2020 को टारगेट कर रहा है, वो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है तो आकर मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट है उन कोर्सेज की जो कि अभी चल रही हैं, लाइक 4 जून से इकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, राइट। 3 फेब से डेवलपमेंटल बायोलॉजी शुरू हो रहा है, जिसमें मैं कंप्लीट डेवलपमेंटल बायोलॉजी कवर करवाऊंगी।
फर्स्ट अप्रैल से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, और 14 अप्रैल से सेल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूरे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का, ये पांचों यूनिट्स का मैं PYQ सेशन भी लूँगी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये वो पांच यूनिट है जो कि मैं कवर कराती हूँ, और इस बार मैं कुछ रैंडम टॉपिक्स भी कराऊंगी फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोशिश रहेगी कि हाँ आपको जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। बट इन केस ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ मुझसे ही पढ़ने को मिलेगा, नहीं, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे आप सभी की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइक अगर आपको जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ अगर वो चीज़ें समझ में आती है तो पांच यूनिट आप मुझसे पढ़ सकते हैं, बाकी यूनिट्स के लिए आप दूसरे एजुकेटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कौन कौन से यूनिट का सिलेक्शन किया है। लाइक अगर आपने प्लांट का सिलेक्शन नहीं किया है तो आप मुझसे प्लांट मत पढ़िएगा, किसी और से कोई और यूनिट पढ़ लीजिएगा जो यूनिट आपने टारगेट किया। तो ऑप्शन जो है सिलेक्शन ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे डिपेंडिंग कि जो जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया है, अगर वो मेरे थ्रू कंप्लीट होते हैं तो आप मेरे से कंप्लीट कर सकते हैं, किसी और एजुकेटर के थ्रू होते हैं तो किसी और एजुकेटर से कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ रेफरल कोड जो कि है ज्योति। ओके, ये रेफरल कोड जब आप अप्लाई करते हैं तो जो भी पेमेंट आप कर रहे होते हैं उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये है ड्यूरेशन, दैट इज 1 month का, 3 month का, 12 month एंड 6 month का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जून 2020 आपका क्लियर हो जाएगा तो यू कैन गो विथ 6 month, और अगर लगता है अगर आप MSc के स्टूडेंट हो, सेकेंड फर्स्ट ईयर है, और अगर आपको लगता है कि 1 साल का टाइम लग गया तो यू कैन गो विथ 12 month। जो भी प्राइजेस हो इसमें 10% का रिडक्शन हो जाएगा जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज ज्योति, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेरी हो आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कल अगेन इसी टाइम पे 1 PM पे ही मिलना होगा विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइम पे मिलना होगा, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑब्वियसली वो मुझे कल 1 बजे से ज्वाइन कर सकता है। चलिए फिर, ओके एवरीवन, चलिए, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।